जननी एक्सप्रेस ड्राइवर के द्वारा जननियों को भेजने के लिए जाते हैं पैसे। शाहनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगी 108 MP 35 BA 0964 एम्बुलेंस वाहन जो जननी को लेने के लिए जाने के लिए वाहन लगाई गई है, लेकिन 108 के ड्राइवर सुशील कुमार साहू के द्वारा मरीजों से अवैध वसूली की गई और 108 ड्राइवर ने अपनी कमाई का जरिया बनाया है। इसकी वानगी आज देखने को मिली है, जहाँ 108 एम्बुलेंस जननी एक्सप्रेस के वाहन चालक पर गर्भवती महिलाओं को घर छोड़ने के एवज में रुपये मांगने का आरोप महिला ने लगाया है। ग्राम टिकरिया गर्भवती महिला लक्ष्मीबाई पति बॉबी चौधरी और अभिलाषाबाई पति कालू चौधरी की स्वास्थ्य जांच के लिए शाहनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहनगर गई हुई थी। जांच के उपरांत उनको घर तक ले जाया जाना था, तभी जननी एक्सप्रेस वाहन चालक ने बहाना बनाया कि 108 एम्बुलेंस को दूसरी जगह जाना है। यदि आप लोग यदि 200 रुपये देने को तैयार हैं तो हम आपको आपके घर टिकरिया छोड़ने को तैयार हैं, नहीं तो हमें दूसरी जगह जाना है। मजबूर गर्भवती महिला लक्ष्मीबाई और अभिलाषा ने मजबूर होकर जननी 108 गाड़ी क्रमांक MP 35 BA 0964 एम्बुलेंस वाहन के चालक रिश्वतखोर को रुपए देने को तैयार हो गए। एम्बुलेंस वाहन चालक द्वारा गृह ग्राम टिकरिया छोड़ने पर एम्बुलेंस वाहन के चालक ने उनसे 200 रुपये की मांग की, जो महिलाओं ने 200 रुपये दिए। इसके बाद टिकरिया पहुंचने पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सर्वेश कुमार लोधी BMO के इसकी शिकायत की, तो मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर लोधी ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, इसकी शिकायत 108 में करें। इस बात बीच के दौरान पत्रकार बंधुओं को जानकारी लगी, तो पत्रकार बंधुओं के पहुंचने पर मीडिया की दखल के बाद 108 एम्बुलेंस वाहन जननी एक्सप्रेस के चालक ने हम लोगों के लिए 200 रुपये पैसे वापस लौटाए। क्या नाम है तुम्हारा? आप दे सकता हूँ। मेरा नाम पूरन साहू। कहाँ के हो? शाहनगर का। कौन सी गाड़ी चलाते हो? मैं मोहंद्रा चलाता हूँ। ये गाड़ी कहाँ की है? अभी शाहनगर की। तो ये मोहंद्रा गाड़ी इसमें क्यों बैठे शाहनगर वाले? साथ में जा रहा है पायलट की। वो कौन है? पायलट है इसी गाड़ी की। अच्छा, अभी किससे किससे पैसे लिए आप लोगों ने? पैसे लिए आप लोगों ने? कितना पैसा लिया? तो नंबर तो दे दे रे। हैं? 200 रुपये। कहाँ की सवारी थी? टिकरिया की थी। मरीज थे? मरीज थे कि सवारी थी? मरीज थे। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। पूरा नाम बताएं। सुशील कुमार। कहाँ की चलाते हैं आप गाड़ी? शाहनगर। शाहनगर की। क्यों लिए आप लोगों ने पैसे? ये ले लिए खर्चा के नाम से। खर्चा के नाम से है ना? हेलो। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, मैं टिकरिया से बोल रहा था, एनटीवी टाइम से। हाँ हाँ बताएं सर। ये अभी एम्बुलेंस आपकी जो 108 नंबर है जननी सुरक्षा, इनके ये पाल जी हैं, इनके द्वारा अनियमित तरीके से 200 रुपये लिए गए हैं, जो अभी आपके वहाँ से डिलीवरी होके आई है। आपकी डिलीवरी चेकअप के लिए गई थी। अभी अभी यहाँ पर ना ये मास्क लगाए हुए हैं और हाँ, इनका बात करने का भी कोई वो नहीं है, और इनके नंबर नंबर ही पूछा तो बस वो यड़ूरी गड़बार कर रहे हैं। तो इसके लिए तो अब भोपाल 108 में ही शिकायत करनी पड़ेगी, अपने यहाँ से ऑपरेट नहीं होती है एम्बुलेंस। अच्छा, हाँ भोपाल से ऑपरेट होती है। तो कोई अलाउ है क्या पैसे लेना ऊपर? नहीं। तो फिर तो उसी यही तो बोलना है, 108 में शिकायत कर सकते हैं इनकी। इस संबंध में आपके द्वारा क्या कार्रवाई होगी? अपने यहाँ से वो ऑपरेट ही नहीं होती है वो। मतलब ये कुछ भी करते रहे आप लोग, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते? हस्तक्षेप कर सकते हैं, जैसे आपने अभी फोन किया। हाँ है ना, तो आपको जो मदद चाहिए हो हम कर सकते हैं भाई जी। बाकी उन पर कार्रवाई तो जो मतलब जहाँ से ऑपरेट होती है वही करेंगे। अच्छा, इसमें सुशील कुमार पाल हैं जो ये ड्राइवर पायलट, उसके अलावा जो अन्य व्यक्ति हैं जो भी हों, मान लो अन्य व्यक्ति भी गाड़ी चला रहे हैं उसकी ड्राइविंग कर रहे हैं, मान लो ये साइड में बैठे हुए, इसके अलावा अगर कोई दुर्घटना होती है इसका जवाबदार कौन होता है सर? कितने लोग बैठे हुए हैं? दो लोग हैं। ये जो पाल जी हैं ये उसमें 108 में शिकायत करी ना इनकी आप? अच्छा चलो ठीक है सर। चलो ठीक है सर। सर को